करने वाले हैं वो है आईवी कैनुला इन एडल्ट। बच्चों में जब कैनुला करेंगे तो उसकी कुछ अलग से चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। जब बच्चे का कैनुला करेंगे तो हमारी ट्रे में जो क्या है स्प्रिंग भी हमने रखने हैं, क्योंकि बच्चों की आईवी करते वक्त जो है हम कभी पाँव पर भी करेंगे कभी बाजू पर करेंगे, तो उसमें ये होता है कि अगर हम हाथ पे करते हैं तो बच्चा बार बार हाथ हिलाता है और इस वजह से हमें स्प्रिंटिंग करनी पड़ेगी, और अगर पाँव पर भी करते हैं तो हमें स्प्रिंटिंग करनी पड़ेगी आईवी को दो दिन तीन दिन सिक्योर रखने के लिए। और या फिर अगर हम हेड पर करेंगे तो हेड के हिसाब से हमें वो जो जो चीज़ों की ज़रूरत होगी स्कल पे करने के लिए तो हम उस तरीके की ट्रे को प्रिपेयर करेंगे। तो आज कौन सी हम करने जा रहे हैं एडल्ट की, तो एडल्ट की आईवी करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एडल्ट की आईवी क्यों करते हैं हम, बोलो, ताकि मेडिसिन दी जा सके बर वक्त। हाँ, और दूसरी बात ये कि आईवी लाइन को क्लियर करके बात बड़ों में जो एडल्ट होते हैं तो उसमें कभी बहुत शदीद इन्फेक्शन की सूरत में जो है ओरल एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही होती तो हमें इंजेक्टेबल देना पड़ता है। तो फिर और क्या वजूहत होती हैं कि अगर मरीज़ मुंह से कुछ खा पी नहीं रहा तो फिर हम करेंगे आईवी लाइन पर दे, वो क्यों करेंगे कि आईवी के ज़रिए हमने फ्लूड देना है। फिर और क्या वजूहत होती हैं, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तब, और अगर मरीज़ एनक्यू करना है हमने सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है तो प्री ऑपरेटिव में भी हमें पहले से आईवी लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से हम एडल्ट की क्या करते हैं आईवी लाइन को मेंटेन करते हैं। तो अब जो आईवी लाइन मेंटेन करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो कैनूला होना चाहिए। तो कैनूला जो है हमारे पास यहाँ पर 124 का पड़ा हुआ है और 122 गेज का। तो वैसे ये कौन कौन से गेज के होते हैं, 16 गेज का होता है, 18 गेज का होता है, 20 गेज का होता है और 22 का होता है और 24 गेज का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हम जो अडल्ट की बात कर रहे हैं तो इस कैनूले को हम साइड पे कर देते हैं, और अडल्ट के लिए अकॉर्डिंग टू एज को जो एज का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होगा। तो अब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें क्या होती हैं तो उनकी बाज की वेन जो है बहुत वीक होती हैं, तो उनमें हमें क्या छोटा कैनूला यानी कि 20 का लगाना पड़ेगा। और अगर जो जेंट्स हैं मेल पेशेंट हैं तो मेल पेशेंट्स की वेन्स जो हैं वो मोटी होती हैं, तो इस वजह से क्या उनको हम 18 का और 16 गेज का कैनूला लगा सकते हैं। तो फीमेल्स के लिए भी ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि 20 का कैनूला ही यूज़ करते हैं। और अगर मरीज सर्जरी के लिए जा रहा है तो स्टूडेंट इस बात को हमेशा याद रखना कि वो पेशेंट को हम कौन सा कैनूला करेंगे, 16 का या 18 का। बेस्ट तो 16 का रहेगा, लेकिन अगर वेंस जो बारीक है पतली है तो इस पे हम क्या कर सकते हैं उसको 18 का, लेकिन 16 का कैनूला क्यों सर्जरी के लिए ज़रूरी है, फ्लूड के लिए जब फ्लूड ज़्यादा दे दिया जाता है सर्जरी में, सारी बात कोई पता नहीं होता, कोई खुदा न खास्ता एमरजेंसी हो जाए तो उस पर आपको ज़्यादा ब्लड वो फ्लूड देना पड़े या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज भी करना पड़े। तो आपको इसलिए कौन सा कैनूला रखना चाहिए हमेशा 16 गेज का, और जब सर्जरी के लिए पेशेंट जाएगा या फीमेल जो आप कर रहे हैं प्रिपेयर, एक फीमेल को आप सर्जरियल सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी दोनों साइड पर पेशेंट के कैनूले करेंगे, सही है। आईवी लाइन करना दोनों साइड पर मस्ट होता है, वो इस वजह से एक हम कंटिन्यू कर देते हैं लेकिन एक पे हम आईवी लाइन करके स्टॉपर लगा के छोड़ देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि सर्जरियन के दौरान अगर औरत को ज़्यादा फ्लूड देने की ज़रूरत पड़ जाए, औरत किसी खतरनाक सूरत हाल से गुजर
गुजरे यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या पीपीएच में चली जाए, तो एक साइड से आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, सेकंड साइड से आप हम एक्सल देंगे और उसके दूसरे फ्लूड देंगे। तो चले अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर को। तो उसके लिए सबसे पहले कैनूला फिर हमारे पास टूनिकेट होना चाहिए। ये टूनिकेट दो टाइप के हैं, टूनिकेट होना चाहिए, फिर अल्कोहल स्वाब या स्पिरिट स्वाब हम अपनी ट्रे में रखेंगे, फिर एक सीज़र होनी चाहिए, तो एक हमारे पास सीज़र है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स का एक पेयर है हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास टेप होना चाहिए, स्टिकिंग टेप। तो टेप की भी देखें, एक होता है बिल्कुल इसकी मेयर में 4 इंच का भी होता है, 6 का भी होता है और 2 का भी होता है, सही है। तो जो आपके पास आईवी के लिए हम 4 का अक्सर रखते हैं बड़ा, क्योंकि उस पर हमने सपोर्ट अच्छी देनी होती है। फिर सेफ्टी बॉक्स होगा जिसमें आप अपनी जो यूज सिरिंजेस हैं उनको आप उसमें डिस्कार्ड कर सकते हैं, कट नीडल को कट कर सकते हैं। फिर एक 5cc की सिरिंज होगी और एक डिस्टिल वाटर होगा आईवी लाइन को क्लियर करने के लिए, और एक हमारे पास होना चाहिए स्टॉपर, सही है। स्टॉपर एक रखेंगे, हैपलॉक भी बोलते हैं और स्टॉपर भी बोलते हैं। तो चलें अब प्रोसीजर को स्टार्ट करने से करेंगे आप। तो इसमें क्या करना है कि स्टूडेंट जब भी कोई भी आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे तो आपको मरीज की राइट साइड पर खड़े होना है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपने जाके फौरी तौर पर मरीज के ऊपर प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर देना। सबसे पहले क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप सबसे पहले जाकर नाम पूछेंगे फिर अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये पेशेंट है तो आपने काम किया कि आने को आप कैसी हैं, ठीक है। आपको पता है कि आपको कैनूला क्यों लगाया जा रहा है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको जो हम आयरन के टीके लगाएंगे उसके लिए आपको आईवी लाइन कर रहे हैं, तो ये आपको आईवी लाइन मेंटेन करके और आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, तो इसलिए जो है हम आईवी लाइन आपकी मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, मैंने आप पेशेंट का नाम पूछा और अपना प्रोसीजर उसके साथ एक्सप्लेन किया। फिर सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना है, हैंड को क्लीन करना है, हैंड को वॉश करना है, सही है। तो उसके लिए हमारे हाथ जो हैं वो हम अपने हाथों को अच्छे से धो लेंगे ताकि हाथ हमारे क्या हो जाए, जरासीम से पाक हो जाए। ग्लव्स तो हमने पहन नहीं पहने हैं, लेकिन ग्लव्स पहनने से पहले हमें अपने हाथों को भी धो लेना अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम पहनेंगे, क्लाइंट को बताने के बाद कि आपको कैनूला लगा रहे हैं ताकि क्लाइंट की जो परेशानी है वो कम हो जाए, वो एकदम घबरा ना जाए कि मेरे पास क्यों इतनी बड़ी ये ट्रे लेके तो खड़े हो गए ये पूरी टीम, क्योंकि हमारे साथ एक हमारा असिस्टेंट भी होता है। इस वजह से मरीज़ की परेशानी को सबसे पहले क्या करना है, कम करना है, और जिस नस में लगाना है इस नस का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से हम क्या है कि उस नस का तयन कर लेंगे, तो हमें इस पेशेंट के यहाँ हैंड पर ये अच्छी वेन नज़र आ रही है, तो हमेशा आप ये स्ट्रेट एक वेन होती है, इसके बराबर में एक और ये वेन है, ये करेंगे। और अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप ये देख रहे हैं कि ये साइड पर जो वेन होती है ये थोड़ी मोटी वेन होती है और इसके ऊपर हम ज़्यादा फ्लूड दे सकते हैं। ये देखें ये कितनी प्रोमिनेंट, अच्छी प्रोमिनेंट हो रही है। तो हमने मरीज़ की नस का तयन कर लिया, फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जब हमने नस को देख लिया कि हमारे पास नस, हम इस नस के ऊपर करेंगे, फिर हमें क्या पहनने हैं, ग्लव्स। तो सबसे पहले हम ग्लव्स पहन लेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ग्लव्स जो हैं
वो डैमेज होते हैं, इसलिए आपकी ट्रे में टू पेयर्स मौजूद होने चाहिए। बैकअप पर आपके पास ज़रूर ग्लव्स मौजूद होने चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो प्रोसीजर के दौरान। तो अगर आपको ग्लव्स पहनते वक्त प्रॉब्लम हो रही है तो फिर जो अगर उसमें पाउडर होता है तो पाउडर आप उसके अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ये जो ग्लव्स में प्रॉब्लम होती है तो वो जो पाउडर होता है ये ग्लव्स का पाउडर होता है अगर स्प्रिंकल कर लेते हैं तो फिर हमें ग्लव्स पहनना इजी रहता है। ठीक है, अब हमने ग्लव्स पहन लिए। अब जिस नर्स का भी कैनूला लगाना है इस नर्स को अल्कोहल से स्वाब से स्वाब हम अच्छे से कर लेंगे क्लीन। तो ये हमारे पास स्पिरिट स्वाब मौजूद है तो इससे हमने क्या कर लेना है, सबसे पहले हमने चूँकि हम दे रहे हैं आयरन के लिए तो अगर फ्लूड हमने देना होता तो फिर ये हम इस साइड का जो है हम इस पर करते, तो हमने आयरन देना है तो इसलिए आयरन को ट्रांसफ्यूज करने के लिए हमें ये वाली वेन हमारे लिए ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम हमेशा जो है ऊपर से नीचे की तरफ आना है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाना। तो ये जब आपने एक स्वाब से पहले सीधा कर लिया साफ उसको, फिर इसको आपने क्या करना है सर्कल मोशन में, ये आपके पास स्वाब है आप इसको ऐसे सर्कल मोशन में, एक आपका स्ट्रोक पूरा हो गया तो आपने यहाँ स्टॉप किया और इसको डिस्कार्ड कर दिया। फिर आपने एक और स्वाब लिया और फिर उसके साथ आपने अच्छे से एक और स्ट्रोक दिया कि इसको सर्कल मोशन में आपने क्लीन कर दिया। अब जो है अब आ गया टाइम कि टूनिकेट, अगर आपके पास कोई हेल्पर नहीं भी मौजूद लेकिन आप जो है अपनी आईवी जो है वो कर सकते हैं तो उसके लिए हम पेशेंट को कभी भी स्टूडेंट कुछ स्टूडेंट ऐसे ऊपर बांध देते हैं, ऊपर कभी भी नहीं बांधेंगे। वजह ये होती है कि अगर आप ऊपर बांध देंगे तो वो आपको डिस्टर्बेंस करता रहेगा आईवी के दौरान, तो इसलिए हमेशा ऐसे बांध के मरीज़ के हाथ को क्या कर देंगे हम स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है फिर टूनिकेट बांधने के बाद जो है इस बात का ख्याल रखें कि मरीज़ का बाजू जो है ये ना तो बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए। तो अब हम अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैनूला लेकर सुई को 20 से 30 डिग्री के जाविए पर आपने रखना है। अब ये देखिए कैनूले को मैं ओपन कर रही हूँ और जो हमारे आपने कभी भी कैनूले को ऐसे नहीं करना है, आपको पता है कि ये 90 का एंगल होता है और ये 45 का एंगल है और अगर जब हम यहाँ पर करते हैं तो ये 20 to 30 का एंगल होता है। तो कैनूला करते वक्त जो है हमें 20 to 30 का जो है कैनूले पर याद रखना है कि 20 to 30 पर हम इस पोजीशन पर रखेंगे तो ये 20 to 30 है और अगर हम इस पर ले जाते हैं तो ये 40 है। जब हम कर लेंगे आईवी और कोई इंजेक्शन लगाना होगा तो फिर हम किस पर लगाते हैं 45 पर और अगर हम आईएम लगाते हैं तो फिर 90 पर। तो कैनूला अभी कर रहे हैं या ब्लड ड्रॉ कर रहे होते हैं तो फिर हमें किस पर करना होता है 20 to 30 पर हम इसका करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि अपनी मेजरिंग कर ली हमने कि हमने 20 to 30 करना है। फिर जैसे ही कैनूला लेकर पीछे वाले हिस्से में अब हमने जैसे इसमें कैनूला हमने अंदर ये हमारे पास देखे वेन कितनी क्लियर थी तो इसके अंदर हमने प्रेस किया, जैसे इसमें हल्का सा ब्लड आया तो हमने इस कैनूले को इस हाथ से यहाँ रखा और इसको स्लोली स्लोली हम इसमें देख रहे हैं ब्लड आ चुका है, हम इसको यहाँ पर करेंगे ऐसे और यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि ब्लड बाहर ना आए। अब यहाँ पर आप फ्लूड जो है उसको अटैच कर सकते हैं, सही है,
तो फिर उसके बाद जो है टूनिकेट को यहाँ पर आपने कर दिया हुआ है रिमूव। जैसे आप उसको खोल देंगे ब्लड सर्कुलेशन खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये कि आप हैपलॉक जो है हैपलॉक लगा देंगे, या अगर आपने हाँ चलो ऐसे दे दी बस, हाँ बस आपने ये हैपलॉक कर दिया ताकि ब्लड ना आए, और अगर फ्लूड कंटिन्यू करना था तो आप फ्लूड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कि नॉर्मल से लाइन होगी तो अभी हमने जो कोई फ्लूड बनाया होगा पेशेंट के लिए हम उसको उसके साथ अटैच कर देंगे। अगर हमने उसको आयरन के इंजेक्शन लगाने हैं तो आयरन नॉर्मल से लाइन में हमने बनाया हुआ है 100 cc में हम उसको अटैच कर देंगे, और फिर हम उसके ऊपर उसके बाद क्या करेंगे कि ये स्टिकिंग प्लास्टर है इसकी टेपिंग करेंगे। अच्छे से टेप करके उसको क्या कर देंगे हम सिक्योर करेंगे, और उसको जो है वो हम सिक्योर करके सिक्योर इसलिए करेंगे कि आईवी लाइन जो है वो मजबूत हो जाए। फिर जो जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको हम डिस्कार्ड करेंगे सेफ्टी बॉक्स में। ये हमारे पास सेफ्टी बॉक्स है, इस कैनूले की जो नीडल है इसको यहाँ पर आप करेंगे और ऐसे कट कर देंगे, तो ये जो है वो ये हमारा सेफ्टी बॉक्स में ये सब कुछ डिस्कार्ड हमने कर दिया है। तो फिर उसके बाद हमने अपनी एक नोटबुक लेनी है, नोटबुक में हमने मेंशन करना है कि क्या मरीज़ का नाम था। ग्लव्स को रिमूव करेंगे और मरीज़ का नाम डेट टाइम और उसका लिख देंगे कि आज की डेट में हमने कैनूला किया, और पेशेंट का जो कैनूला है उसके ऊपर भी मेंशन कर देंगे डेट और टाइम। तो ये आज की जो वीडियो है ये आईवी कैनूले के ऊपर है, तो ये आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है।